जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली के खिलाफ जो है सोशल एक्टिविस्ट के जो है मुख्तलिफ जो बयानात हैं, तजाद बयानात आ रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, सबसे पहले मैं सर कदीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मसले को उजागर किया और हम तक बात पहुँचाई और हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर हम खड़े होके अपना मतलब मुतालबा मनवा सकते थे। अभी हमारी वीसी साहब से बात हुई है और उन्होंने हमारे मुतालबात पर हमें अतमाद में लिया है कि वो इस पर एक एक्शन लेंगे और आइंदा ना कोई यूनिवर्सिटी में कोई वीडियोस बनेंगी और यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म के बाहर के लोग की एंट्री बंद होगी, चाहे वो आउटसाइडर हो, फेसबुक का मीडिया वाला हो, सबकी एंट्री यहाँ पर बंद होगी। जो हॉस्टे बात करेगा उसकी एंट्री होगी, जो मीडिया पर यूनिवर्सिटी का नेगेटिव नाम करेगा उसकी एंट्री बंद होगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा जो है वो जो शुरू है उसके खिलाफ जो है तलबा का ये कहना है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है यहाँ की किसी भी जगह की किसी भी क्लासरूम की जो है वो फुटेज जो है वो आउट नहीं होगी और किसी जो है यहाँ पर तलबा तलबात को कैमरा इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। हमारे साथ एक और तालिबिन भी मौजूद हैं, उनसे हम मजीद बात। मैं आपके प्लेटफॉर्म के जरिए मतलब उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा जो यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ में हम ये क्लियर करें कि इंतजामिया हमारे साथ है, हम इंतजामिया के साथ हैं, लिहाजा जो आप कोशिशें कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को डिफेम करने की, एक छोटी सी बात एक क्लिप को उठा के यूनिवर्सिटी कितना और मियांवाली कितना बुरा इमेज आप पर पेश कर रहे हैं, हम अब आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, भरपूर मजम्मत करेंगे, अब हम आपको आपकी अपनी जबान में जवाब देंगे। बिल्कुल, इंतजामिया भी यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के साथ है और ये सख्त एहतजाज कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ जो है लाने का मुतालबा किया जा रहा है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम इरफानुल्लाह खान है। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का बड़ा नेगेटिव इमेज बाहर दिया जा रहा है कि पहले ही हम एक कल्चरल जो हमारी नॉर्म्स हैं उनकी वजह से हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर गलत हो रही हैं, जो भी चीज़ें जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, अगर कोई आउटसाइडर्स आते हैं तो हम मैनेजमेंट को कहते हैं भाई उन्हें ना आने दें। जो फीमेल्स यूनिवर्सिटी में के अंदर वीडियोस में आती हैं, हम बिल्कुल इस चीज़ को डिफेंड नहीं करते, वो गलत है। और हम सारे स्टूडेंट्स आज तकरीबन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आज इकट्ठे हुए हैं, हमने यही फैसला किया है कि कोई भी अगर इस चीज़ को डिफेंड करते हैं हम उसके खिलाफ जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी को दरपेश मसाइल हैं उन पर तो कोई भी नहीं बोलता। यूनिवर्सिटी को लैंड चाहिए, यूनिवर्सिटी को क्लासरूम्स चाहिए, यूनिवर्सिटी को हर डिपार्टमेंट में पीएचडी प्रोफेसर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, ताकि एमफिल के प्रोग्राम शुरू किए जा सकें। यूनिवर्सिटी के पास जगह नहीं है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो पॉजिटिव इमेज है वो बाहर दिया जाए और हम ये चाहते हैं कि हमारी मैनेजमेंट, हमारे वाइस चांसलर साहब थोड़े मजबूत बने, फैसले लें। अगर वो ठीक फैसले लेंगे हम उनकी बैक पे होंगे। अगर कोई भी बाहर का बंदा या कोई भी आके सोशल मीडिया पे यूनिवर्सिटी को गलत रिप्रेजेंट करता है, हम उसको बिल्कुल उसके खिलाफ जाएंगे। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से और वाइस चांसलर की जानिब से इस वक्त यकीन दहानी करा दी गई है कि किसी किस्म का यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मोबाइल नहीं यूज़ करने दिया जाएगा और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है शदीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी। वाली यूनिवर्सिटी जिंदाबाद।